या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। आप सभी अपना लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा आप पे चालानी कार्रवाई के पात्र होंगे। आज के अंदर ही आपको मांस का विक्रय करना है, अन्यथा प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन एक्शन में है। मोहन यादव का एक्शन योगी स्टाइल। मध्य प्रदेश में यूपी की तरह योगी राज आ गया। मैं डॉक्टर मोहन यादव, मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। एमपी में सीएम पद संभालते ही एमपी के नए सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए। कैबिनेट की बैठक में मोहन यादव ने फैसला लिया कि मध्य प्रदेश में मांस और अंडे की अवैध दुकानों पर सख्ती की जाएगी और प्रदेश के मंदिरों मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकर बैन किए जाएंगे। खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। और चूंकि इस दिशा में योगी प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जिनको ये बिजनेस करना है उनको उसके दायरे भी बता दिए जाए, कैसे करना है, क्या करना है, उनको भी इन सारी बातों के अवेयरनेस के साथ, लेकिन शासन के स्तर पर हमने निर्णय किया है कि ये चीज़ों को लेकर के जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यवसाय करना है या जिनको इसको खाद्य पदार्थ के उपयोग में लेना है तो वो उनकी जान भी जोखिम में नहीं डाले। मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के इस ऑर्डर के बाद इसको लेकर नियम बनाने की तैयारी की जा रही है और सीएम के ऑर्डर के बाद पहले से बने नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी है। अब मध्य प्रदेश में खुले में मांस की बिक्री बंद हो जाएगी, मीट की अवैध दुकानों पर ताले लगने वाले हैं। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो पहला फैसला लिया गया था वो लाउडस्पीकर को लेकर लिया गया और दूसरा एक अहम फैसला लिया गया कि चिकन और मटन की दुकानों की जो बिक्री है चिकन और मटन की वो खुले में नहीं होगी, अंडे की बिक्री खुले में नहीं होगी। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर हम ये मीट की एक दुकान पर हैं, चिकन शॉप है और ये लाइन से चिकन की दुकानें हैं जो खुले में मांस की बिक्री कर रहे हैं और इसको लेकर के अब प्रशासन जो है वो सतर्क हो गया है और अब यहाँ पर मुनादी के लिए तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो पहुँची हुई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये जोन की गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं और ये जो गाड़ियां हैं यहाँ पर अब मुनादी कर रही हैं। चिकन ओपन में नहीं बिकेगा। सीएम मोहन यादव के फैसले के बाद हर शहर में प्रशासन एक्शन में है। प्रशासन की गाड़ियां ऑर्डर को सख्ती से लागू कराने के लिए बाजारों में जा रही हैं। बाकायदा मुनादी कर दुकानदारों को लाइसेंस बनाने को कहा जा रहा है। मीट विक्रेताओं से निवेदन है कि 7 दिवस के अंदर अपना मीट का लाइसेंस रिन्यूअल करवा ले एवं कांच के अंदर ही लाइसेंस विक्रय करना है, अन्यथा प्रशासन द्वारा आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी मांस विक्रेता भाइयों से निवेदन है कि आप 7 दिवस के अंदर अपना लाइसेंस रिन्यूअल करवा ले। यूपी में मांस की बिक्री को लेकर पहले से नियम बनाए जा चुके हैं जिनको पालन कराने का जिम्मा स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर है। यूपी में मांस की बिक्री को लेकर जो नियम है उनके मुताबिक मीट शॉप धार्मिक स्थल से 50 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए। सब्जी बाजार के आसपास मीट की दुकान न हो।
शॉप में काम करने वालों के पास हेल्थ सर्टिफिकेट होने चाहिए। दुकानों में ग्लास या पर्दे की व्यवस्था होनी चाहिए। दुकान चलाने वाले के पास फूड सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीएम योगी के इस फैसले के बाद इन नियमों का कड़ाई से पालन भी हो रहा है। नियम ये भी है कि मीट की दुकानों में छुरा या चाकू स्टील का होना चाहिए। इतना ही नहीं, बुचर खाने से मीट को दुकानों तक पहुंचाने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल होना चाहिए। साथ ही दुकानों में गीजर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये भी कहा गया है कि जो भी दुकानदार इन नियमों का पालन नहीं करते, स्थानीय प्रशासन को ये आदेश दिया गया है कि ऐसे दुकानों का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाए। जैसा यूपी में योगी ने किया, ठीक वैसा ही मध्य प्रदेश में मोहन कर रहे हैं। एमपी में मांस बेचने के लिए अब लाइसेंस चाहिए होगा। खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही मांस को शीशे के अंदर रखना होगा। मीट विक्रेता की दुकान में फ्रिज होना जरूरी है। ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन दुकानों पर ताला भी लगा सकता है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले जो फैसला हुआ वो चिकन और मटन की दुकानों को, जो कि रास्ते में ओपन में बिकते हैं, और अंडे जो ओपन में बिकते हैं उनको प्रतिबंध लगाने को लेकर हुआ है। हम राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद में हैं और यहां पर जो तमाम चिकन और मटन की दुकानें हैं, रोड पर जो चिकन और मटन ओपन में बिक रहा है उसको लेकर के ज़रूर एक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। हालांकि कलेक्टर का कहना है, यहाँ पर तमाम अधिकारियों का कहना है कि जो भी ओपन में मांस की बिक्री हो रही है उसको लेकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाएगा, और अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत इन सभी दुकानों को पहले समझाया जाएगा, और इनको समझाने के बाद ये तय किया जाएगा कि अगर जो भी नियमों का उल्लंघन हो रहा होगा उसके बाद इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मछली की बिक्री के लिए नगरीय विकास विभाग के अधिनियमों के अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के प्रावधान लागू होते हैं। भोपाल के अलावा उज्जैन और कटनी जैसे शहरों में भी सीएम मोहन यादव के इस ऑर्डर पर प्रशासन एक्शन में दिखा। उज्जैन में अवैध मीट की दुकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन ने खुले में बिक रहे मांस की अवैध दुकानों को तोड़ दिया। इसके अलावा एमपी के कटनी में प्रशासन ने मछली बाजार के इलाके में कार्रवाई की। यहां अवैध दुकानों को हटा दिया गया, जिसके बाद खुले में मांस की बिक्री करने वाले विक्रेता काफी परेशान दिखे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश हुआ है, उसके तारतम्य में पीएचक्यू से आदेश हुआ है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों में उस पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। साल 2017 में सीएम योगी ने मांस बिक्री के लिए नया कानून बनवाया। मोहन यादव ने भी सत्ता में आते ही पहले दिन मांस बिक्री पर सख्ती दिखाई। यूपी में योगी के बुलडोजर मॉडल की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। मोहन यादव के सत्ता में आने से पहले ही एमपी में बुलडोजर मॉडल लागू है। अब एमपी में यूपी की तरह ही धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का वॉल्यूम कम करने के आदेश भी दिए गए। बात कही हमने, कहा कि धार्मिक स्थल पे अगर कोई इस सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसके लिए कार्रवाई करेंगे। अभी विषय तो हमारे बाकी है ना। हमने लगा है 15 दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है और इस पर एग्जीक्यूशन करेगा। योगी जैसे फैसले, योगी जैसा एक्शन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने तेज आवाज में बजने वाले लाउडस्पीकर को उतरवाने का आदेश दिया। भोपाल से लेकर उज्जैन तक पुलिस और प्रशासन के लोग एक्शन में दिखे। जुमे की नमाज के दिन हमने भी भोपाल की एक मस्जिद पर लगे ऐसे ही लाउडस्पीकर को मीटर से टेस्ट किया। नतीजा क्या था आप खुद देखिए। मध्य प्रदेश में लाउडस्पीकर को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं और हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरें हैं लाउडस्पीकर की और हम मीटर में चेक करेंगे। साउंड मीटर है और इसमें आप साउंड चेक कर सकते हैं। ये अस्सी से ऊपर डेसिबल दिखा रहा है, हालांकि इसमें मेरा भी साउंड है लेकिन 80 डेसिबल के ऊपर ये साउंड बताया जा रहा है। तो ये ऐप में हमने आपको दिखाया। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने ये नियम मंदिर मस्जिद सभी के लिए बनाए। इस आदेश के बाद कटनी में और उज्जैन में प्रशासन इस आदेश को लागू कराने की तैयारियों में जुटा दिखा।
सीएम के इस आदेश का पालन करने के लिए डिटेल्ड प्लान बनाया जा रहा है। प्लान बन जाने के बाद फिर इसे सभी जिलों में लागू कर दिया जाएगा। मोहन यादव जी के आदेश का स्वागत करते हैं हम, क्योंकि जो लाउड स्पीकर है मंदिर में, हमारे यहाँ मंदिरों में देखिए आप, अभी भी आवाज जो लिमिटेड है, एक जो नियम कानून है उस नियम कानून के तहत ही हमारे यहाँ भजन कीर्तन बजते हैं, आरती के समय बजते हैं, उसके बाद तत्काल हम बंद कर देते हैं। और जो नियम है हनुमान चालीसा होती है, सुंदरकांड होता है, अखंड रामायण होती है, उस समय बजता है, उसके बाद बंद कर देते हैं। कान फोड़ू आवाज नहीं है यहाँ कि आदमी के कान में कर्कश की आवाज पहुंचे और उसको किसी प्रकार से तकलीफ हो। अगर मोहल्ले के लोग आते हैं कि परीक्षा चल रही है तो उसको बंद भी कर दिया जाता है, आरती भर में बजाया जाता है। तो जो नियम है उस नियम का हम स्वागत करेंगे। और बाकी जहां पर अन्य धर्म स्थलों पर जिस प्रकार से कान फोड़ू आवाज सुबह 4 बजे से चिल्लाई जा रही है, उन पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, हटाना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर बजने वाले लाउडस्पीकर पर नियम क्या है ये भी जान लीजिए। यूपी सरकार सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB की गाइडलाइंस को मानती है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल इलाके में ध्वनि का स्तर दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय 70 डेसिबल तय है। कमर्शियल इलाकों में दिन में 65 डेसिबल और रात में 55 डेसिबल तक की लिमिट है। रिहायशी इलाकों में दिन के वक्त ध्वनि का स्तर 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल की लिमिट है, जबकि साइलेंट जोन जैसे अस्पताल, स्कूल और कोर्ट में दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल का स्तर तय है। सरकार ने आदेश जारी किया है साउंड को कम करना है, आप राजी हैं इससे? नहीं, इससे राजी नहीं है। नहीं राजी है? जो है शुरू से बचपने से अभी से नहीं है। जी जी। तो जो लोग यहाँ पर हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, जो साउंड है ये 80 डेसिबल के ऊपर का साउंड अभी वर्तमान में हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि सरकार की ओर से जो नॉर्म्स तैयार किया गया है रेसिडेंशियल और कमर्शियल एरिया के अलग अलग हैं। तकरीबन 60 डेसिबल तक कमर्शियल एरिया में अलाउड है, लेकिन ये जो साउंड है ये 80 के ऊपर है। और इसीलिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, मोहन यादव ने ये निर्देश जारी किए मुख्यमंत्री बनते ही, कि इस साउंड पर जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए। मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा ये जो स्पीकर्स लगे हैं मस्जिद के ऊपर, हालांकि केवल एक किसी धर्मस्थल को लेकर हमारा कोई टारगेट नहीं है। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मंदिर, मस्जिद, तमाम वो सार्वजनिक स्थान जहाँ पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं वो सरकार की रडार पर हैं, जांच के दायरे में हैं। धार्मिक स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज गाइडलाइन से बहुत ज्यादा होती है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी होती है। ये शोर 70 डेसिबल से ज्यादा होता है और इससे लोगों को मानसिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सार्वजनिक जगहों पर लाउड स्पीकर बजाने के लिए प्रशासन से इजाजत लेना जरूरी होता है और सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही बजा सकते हैं।